योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग की एक नई जानकारी लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ लाइक करें शेयर करें और कमेंट भी करें वेलाइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके अगर आप यू जी नेट के नोट्स प्रश्न संग्रह के रूप में लेना चाहते हैं तो आज रात्रि बारह बजे से पहले प्राप्त कर सकते हैं केवल दो सौ में प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं आज रात्रि बारह बजे के बाद भी आप नोट्स ले सकते हैं लिंक के माध्यम से परंतु फिर आपको करीब तीन सौ पचास देना पड़ेंगे संडे मैं फ्री होता हूँ इसलिए आपको आज विशेष छूट दी है आज केवल बारह बजे से पहले आप दो सौ बीस में ले सकते हैं उत्तर प्रदेश में योग वेलनेस सेंटर के अंतर्गत महिला एवं पुरुष योग प्रशिक्षक की भर्ती हो रही थी लेकिन अचानक से कई जगह भर्ती कैंसिल हो गई थी परंतु अब भर्ती से संबंधित नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं इससे योग साधक प्रसन्न भी हैं केवल दुख अब सैलरी का रह गया है कि सैलरी कम है बाकी सभी पॉइंट बहुत अच्छे हैं पहला पॉइंट है उम्र की क्या सीमा है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है पहले भी 21 साल से लेकर पैंसठ साल तक के व्यक्ति आवेदन कर सकते थे तो अब भी वही पॉइंट सेम रखा गया है सेकेंड पॉइंट है योग्यता एवं अनुभव क्या हो यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं पहला बदलाव यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बी एन वाई एस लिखा हुआ है कि बी एन वाई एस वाले आवेदन कर सकते हैं लेकिन पहले यहाँ पर आप देखते होंगे कि लिखा हुआ होता था कि बी एन वाई एस वालों को वरीता दी जाएगी लेकिन अब उस पॉइंट को हटा दिया गया है अनुभव में छूट अभी भी है लेकिन वरीता की बात यहाँ पर नहीं की गई है सेकेंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है बी ए योग या आपने बी योग या फिर आपने एम योग या फिर आपने एम योग किया है तब आपके पास एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए सेम पॉइंट पहले भी था यदि आपने पी डिप्लोमा किया है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन फिर आपके पास दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए यह पॉइंट सेम पहले की तरह ही है एक बदलाव जो बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है योग सर्टिफिकेशन बोर्ड नई दिल्ली द्वारा योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर प्रमाण पत्र धारक अनुभव एक वर्ष पहले बहुत सारे संस्थान यह अफवाह उड़ा रहे थे कि यदि आपने पीजी डिप्लोमा किया है फिर भी आपके पास बाई सी भी होना चाहिए आपने बीए किया है बीएससी किया है एमए किया है एमएससी किया है कुछ भी किया है फिर भी आपके पास बाई सी भी होना चाहिए बाई सी भी वालों को भी यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला है इस तरह की बात यहाँ पर की जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पर एक बात सामने आई है कि योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर का यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तब आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपके पास एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पर बाई सी बी वालों को प्रेफरेंस नहीं दिया गया है केवल स्थानीय निवासी को यहाँ पर वरीयता दी गई है कार्य का अनुभव जो है डिग्री डिप्लोमा के बाद का होना चाहिए यदि उससे पहले का है तब वह कैंसिल कर दिया जाएगा आज का तीसरा पॉइंट है नियुक्ति की अवधि यहाँ पर आप बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा लिखा हुआ है एक वर्ष के लिए है यह योजना आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है अतः अवधि का निर्धारण आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा इसके बाद मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ छठवें पॉइंट पर छठवा पॉइंट है कार्यकाल यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि एक साल के बाद भी आप काम कर सकते हैं लेकिन पंद्रह दिन का आपको गैप दिया जाएगा और अधिकतम आप पैंसठ साल तक भी काम यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि योग प्रशिक्षक के पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक ही अनुबंध किया जा सकेगा पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कार्यकाल स्वतः समाप्त समझा जाएगा मतलब आपका जो कार्यकाल जो है वो एक साल के बाद बढ़ सकता है और अधिकतम पैंसठ साल तक भी आपका कार्यकाल चल सकता है यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है चौथा पॉइंट चयन की प्रक्रिया तो यहाँ पर भी लगभग वही पॉइंट हैं जो कि पहले बताए गए थे इसमें ज़्यादा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है लेकिन यहाँ पर यदि आप चौथे पॉइंट के चौथे बिंदु में देखेंगे तो लिखा हुआ है जनपद में चयनित प्रति हेल्थ वेलनेस सेंटर हेतु एक योग प्रशिक्षक एवं एक योग महिला प्रशिक्षक अंशकालीन का अवधिकरण उक्त समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा पहले यहाँ पर कई बार सुनने में आ रहा था कि सीधे भर्ती भी लोग कर रहे हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है साक्षात्कार लिया जाएगा और पहले कई जगह पर यह भी जानकारी लग रही थी कि कोई भी न्यूज़पेपर में विज्ञापन नहीं आ रहा है लेकिन भर्ती हो रही है तो अब ऐसा भी नहीं है यह बात भी इन्होंने स्पष्ट थर्ड नंबर पर देख लीजिएगा लिखा हुआ है कि दो प्रादेशिक प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में अब आपको विज्ञापन देना होगा किसी एक में भी काम नहीं चलेगा दो में आपको प्रकाशित न्यूज करनी पड़ेगी मतलब सभी तक जानकारी पहुंच जाएगी साथ ही कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी जानकारी चिपकाई जाएगी यह बहुत ही अच्छी बात है पाँचवें पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा बदलाव है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है क्या इन्हें जेम पोर्टल आउटसोर्स से लिया जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अब आउटसोर्स से योग साधक की भर्ती नहीं होगी पहले देखने में मिल रहा था कई राज्यों में लेकिन हालांकि यह केवल उत्तर प्रदेश का लेटर है उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस है इसलिए केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ़ कर दिया है कि यहां पर भर्ती जो है किसी भी एनजीओ के माध्यम से नहीं होगी किसी भी संस्थान के माध्यम से नहीं होगी सीधे साक्षात्कार के माध्यम से होगी क्योंकि यदि हम आउटसोर्स के माध्यम से या किसी भी एजेंसी के माध्यम से भर्ती करते हैं तब व्यक्ति को पेमेंट और भी ज़्यादा कम मिलती है क्योंकि एन या फिर जो संस्थान हैं उनको भी पैसा बचाना होता है तो यहाँ पर साफ़ कर दिया गया है कि अब भर्ती आपकी सीधे होगी साक्षात्कार के माध्यम से भी होगी किसी भी आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती आपकी नहीं होगी छठवां पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ सातवां पॉइंट मानदेय तो मानदेय सेम वही है योग प्रशिक्षक पुरुष को आठ हज़ार रुपये महिला को पाँच हजार रुपये कार्य सेम वही है पुरुष योग प्रशिक्षक को एक माह में एक घंटे वाले बत्तीस योग सत्र लेने होंगे और महिला योग प्रशिक्षक को एक माह में एक घंटे वाले बीस योग सत्र लेने होंगे यहाँ पर नौवा पॉइंट भी जोड़ दिया गया है आरक्षण से संबंधित यहाँ पर कुछ और भी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं यदि योग प्रशिक्षक अच्छा काम नहीं करता है तो एक माह बाद उसको निकाल दिया जाएगा लेकिन एक माह की सैलरी उसको दी जाएगी ध्यान रखिएगा लेकिन एक माह बाद आपको निकाला जा सकता है यदि आप काम अच्छा नहीं करेंगे तब आपका चयन हो जाता है लेकिन चयन होने के बाद यदि आप पंद्रह दिन के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तब आपको अलग कर दिया जाएगा और नए व्यक्ति को बुला लिया जाएगा इस बात का भी ध्यान रखें यहाँ पर आपका चरित्र सत्यापन भी होना है पहले यह पॉइंट नहीं था लेकिन अब रखा गया है छठवा जो पॉइंट है वो भी आप देख लीजिएगा लिखा हुआ है यदि आप किसी भी सूचना के बिना एक सप्ताह से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं तब भी आपको निकाल दिया जाएगा और नए व्यक्ति को यहाँ पर रख लिया जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बहुत सारे बदलाव अब कर दिए गए हैं लेकिन सारे बदलाव योग साधकों के हित में हैं तो अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद